सालों बाद बाहर थी। अजीब शक्त है, सब कितना अच्छा अच्छा से टाइम दिया है, अभी तक आया नहीं, पूरा शहर ही बदल गया था। ये राइड वाला भी अजीब शख्स है, पहले तो उससे मेरी लोकेशन ही नहीं मिली इतनी देर, और अभी मेरी कॉल नहीं अटेंड कर रहा। न्यू एप्लीकेशन थी, मैंने कहा हो सकती है अच्छी सर्विस हो। बाय द वे, आप कौन सी ऐप यूज़ करती हैं? मैं समझी नहीं ये ऐप क्या होती है। मैं समझी नहीं, अरे जाहिर है राइड बुक करने के लिए कोई ना कोई एप्लीकेशन तो यूज़ करती होगी मोबाइल पे। हाँ, मेरे पास तो मोबाइल ही नहीं है, और मुझे क्या पता कि मोबाइल से टैक्सी भी आती है। मोबाइल नहीं है, बड़ी हैरत की बात है, कौन से दौर में रहती हैं आप? आजकल तो बच्चे बच्चे के पास मोबाइल है, लगते हैं आप गांव से आई हैं, नहीं आई हैं कराची में? नहीं बहन, हूँ तो मैं इसी शहर की, लेकिन पूरे 14 साल बाद निकली हूँ। क्यों बहन, 14 साल कोमे में गुजारे हैं क्या? नहीं, वो जेल में थी कत्ल के इल्जाम। कत्ल तो? लगता है मेरी राइड आ गई है। अच्छा मैं चलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अंजुम आपा, कैसी हैं? कैसी हैं आपा? तू लाइबा है ना? हाँ। लाइबा है ना तू? लाइबा? तू जेल से कब रहा हुई? मैं जेल से तो रिहा हो गई, लेकिन अपनी माजी की यादों से नहीं हुई। सब कुछ बदल गया है, सब कुछ बदल गया है, लेकिन अब तू आ गई ना, मेरे अल्लाह का शुक्र है कि तू उस बुरी जगह से वापस आ गई। अब तू देखना सब पहले जैसा अच्छा हो जाएगा। अब तू खड़ी रहेगी या बैठेगी भी? बैठ, यहाँ बैठ। तू परेशान नहीं हो, ये जो वक्त होता है ना, ये बहुत बड़ा मरहम होता है, सारे जख्म भर देता है। जख्म तो जब भरेंगे ना आप, जब मेरे अपने मेरे साथ, मेरे तो अपने ही मुझसे रूठ गए। पहले तो आसिफ 2-3 साल मिलने आता रहा, फिर उसने आना तर्क कर दिया, उसके बाद खत वगैरह आना भी बंद हो गया। और आपा मैं नीचे ही गई थी, नीचे तो ताला पड़ा है, कहाँ गए सब लोग, नज़र ही नहीं आया कोई। आसिफ चंद साल पहले ये मोहल्ला छोड़ के चला गया, नॉर्थ कराची में शिफ्ट हो गया है। मोहल्ला छोड़ दिया, अब ये बताओ मेरा बेटा कैसा है? ताहिर, मेरा बेटा ताहिर बहुत बड़ा हो गया ताहिर, और माशाल्लाह ऐसा खूबसूरत हो गया ना, बिल्कुल तेरी तरह। और तुझे खुशखबरी दूँ, माशाल्लाह से वो MBA कर रहा है। अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मेरे बच्चे को कामयाब कर दिया। अच्छा मैं ये कह रही थी आपा, मुझे मेरे घर का एड्रेस है तो दे दें, मैं अपने घर जाऊंगी ना, बस बड़ी थक गई हूँ, थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। मैं लेके आती हूँ। बहुत शुक्रिया आप, आपका। अरे एक मिनट भाई, लाइबा तुम यहाँ? हाँ, मैं वापस आ गई हूँ अपने घर पे, मेरा घर, और वैसे भी जहाँ मेरा शौहर वहीं तो मेरी जन्नत है। तुमने तो काफ़ी बड़ा घर ले लिया, घर भी बदल लिया खासा, खुद को भी बदल लिया, लेकिन अच्छे लग रहे हो उसमें भी। तुम वक्त सब कुछ बदल देता है, तुम भी देखो ना, कुछ ज़्यादा ही बूढ़ी हो गई हो। मुझे तो जेल की तरफ ही उन्हें ऐसा बना दिया है, लेकिन अब मैं आज़ाद हूँ। वो मेरा बेटा ताहिर का है, मुझे उससे मिलना है। ताहिर घर पर नहीं है, ताहिर यूनिवर्सिटी गया हुआ है।
लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उसे तुमसे मिलके अच्छा लगेगा। मुझसे मिलके अच्छा नहीं लगेगा? क्या कह रहे हो तुम? मैं माँ हूँ उसकी। हाँ लाइबा, लेकिन उसकी परवरिश तुमने नहीं की। वो उसी को अपनी माँ समझता है जिसने उसकी परवरिश की है। लाइबा, मैंने दूसरी शादी कर ली। क्या तुमने दूसरी शादी? कैसे? आसिफ, मैं ये कड़वी जहरीली दवाइयाँ पी पी के ना बहुत थक गई हूँ, अब मुझसे नहीं पी जाती। Come on यार, अगर तुम दवाई नहीं पियोगी तो ठीक कैसे होगी? और अगर तुम ठीक नहीं होगी तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? चलो। लेकिन अगर मैं ठीक नहीं हुई और मर गई तो क्या तुम मुझे भूल जाओगे? बकवास बंद करो यार, तुम जानती हो मैं तुम्हारे बगैर जीने का सोच भी नहीं सकता। इतना चाहते हो मुझे? चली गई पूछने वाला सवाल। तुम भी दूसरी शादी कर सकते? देखो लाइबा, मैं अकेला ताहिर की परवरिश नहीं कर पा रहा था, मुझे ताहिर के लिए उसकी माँ की जरूरत थी। ताहिर के लिए? तुम्हें ताहिर के लिए? तुम अपने लिए एक बीवी चाहिए थी, तुमने अपनी खुशियों के लिए दूसरी शादी कर ली। किससे की है तुमने शादी, बताओ मुझे। ये सवाल ना पूछो तो बेहतर है, वरना तुम्हें ज्यादा सदमा पहुंचेगा। 14 साल से मुझे सदमे बर्दाश्त करने की आदत हो गई है, ये भी बर्दाश्त कर लूंगी मैं। बताओ मुझे कौन है वो? मैंने रुबीना से दूसरी शादी कर ली। रुबीना? वो तो मेरी बचपन के दोस्त। देखो आसिफ ने मुझे रिंग गिफ्ट किया, कैसी लग रही है? वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है, उतार के दिखाओ। नहीं नहीं, ये रिंग मैं नहीं उतार सकती क्योंकि आसिफ ने मना किया है, क्योंकि इस फिंगर का ताल्लुक सीधा मेरे दिल से है और ये दिल का मामला है। वैसे तुम बहुत खुश नसीब हो जो तुम्हें आसिफ जैसे चाहने वाला शौहर मिला। काश मुझे भी ऐसा ही कोई शख्स मिले जो मुझसे इतनी मोहब्बत करे। नजर क्यों लगा रही हो? अल्लाह ने चाहा तो तुम्हें भी आसिफ से ज्यादा चाहने वाला शौहर मिलेगा। बस बस, आसिफ जैसा मिल जाए बहुत है, इससे ज्यादा की उम्मीद नहीं है मुझे। देख, तुम दोनों मेरे गुनाहगार हो, उसकी सजा तुम लोगों को जरूर मिलेगी। तुम दोनों मुजरिम हो मेरे। मुजरिम तो तुम खुद हो लाइबा, जिसने अपनी लालच की खातिर अपने सगे भाई का ही कत्ल कर दिया। और ये जो 14 साल जेल में कैद काट कर आई हो ना, ये सजा तुम्हें हमने नहीं अदालत ने सुनाई थी। मैं तो ना करता गुनाहों की सजा भुगत रही थी। मैंने सोचा था कि तुम तो समझोगी मेरी दोस्त हो, लेकिन तुम लोगों ने तो मेरे साथ पूरी दुनिया से ज्यादा बदतर सलूक किया। मैंने तो तुम्हारा साथ ही दिया, तुम्हारे बेटे की परवरिश की, इनको संभाला, इस घर को संभाला, मगर अब तुम्हारी इस घर में कोई गुंजाइश नहीं है। चली जाओ यहाँ से, तुम यहाँ से वापस चली जाओ और दोबारा यहाँ आने की कभी भी कोशिश मत करना। क्या कह रही है? मैं अपने घर से, ये मेरा ही घर है, मैं अपने घर से क्यों जाऊंगी? ये मेरा घर है, मुझे मेरे घर से ये कैसे निकाल सकती है? मेरा घर है, मैं नहीं जाऊंगी कहीं। तुम्हारा नहीं, मेरा घर है लाइबा, चली जाओ यहाँ से। देखो लाइबा, रुबीना सही कह रही है, ये घर अब तुम्हारा नहीं है, बेहतर यही होगा कि तुम कहीं और चली जाओ। और हाँ, ये कुछ पैसे रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। ये पैसे ना तुम अपनी इस बीवी को ना सत्ता उतार देना इससे। और इन 14 साल में मैंने ये जरूर सीखा है कि अपना हक कैसे लेना है, समझे तुम दोनों? ताज़ीरात पाकिस्तान की दिफा 315 के तहत अगर कोई शख्स इरादतन किसी हथियार या किसी फेल से किसी को जिस्मानी या जहनी नुकसान पहुंचाए जो इसकी मौत का सबब बने, तो उसे कत्ल शुबे अम्त का मुर्तकिब करार दिया जाएगा, जिसकी सजा 14 साल तक हो सकती है। लाइबा, तुम
आई हो तुम यहां? जेल से तो तुम रिहा हो गई, मगर जमीर की अदालत से अपने आप को कैसे रिहा कर पाओगी? भाई बाप, तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने ये अच्छा नहीं किया लाइबा। तुम्हारे लिए अब इस घर में कोई जगह नहीं है, समझी तुम? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा। जमीर? अपने जमीर से मैं बहुत मुतमईन हूं भाई। मत कहो मुझे अपना भाई। जिस औरत ने अपने ही सगे भाई को जहर दे के मार दिया हो, उस औरत के मुंह से भाई सुनना अच्छा नहीं लगता। कत्ल तुम दोनों ने किया और मुझे कत्ल के कैसे फंसा दिया? कातिल तो तुम लोग हो, लालची हो तुम लोग। लालच? लालच ने तुम्हें इतना अंधा कर दिया था तुम अच्छे बुरे की तमीज ना कर सकी। लाइबा, क्या तुम्हें याद नहीं मैंने तुम्हें कितना समझाना चाहा, कितना रोकना चाहा, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। लाइबा, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं, मैं करती हूँ ना बात। भाभी तुम तो रहने ही दो, मेरी माँ बनने की कोशिश मत करना, समझी? लाइबा, क्या बात है, चिल्ला चिल्ला कर तुमने सारा घर सर पर उठा दिया। मैं चिल्ला रही हूँ? अभी मैं चीखी ही कहा हूँ, चीख चीख के पूरा मोहल्ला खड़ा कर दूंगी। इस घर में मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, समझे तुम लोग? लाइबा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, और इतना बौखला क्यों गए तुम? हाँ, अपना हिस्सा मांग रही हूँ ना, मुझे इस घर में मेरा हिस्सा चाहिए। मेरे शोहर का कारोबार खत्म हो गया, किससे मांगूंगी मैं? देखो लाइबा, हम तुम्हें पहले ही बहुत कुछ दे चुके हैं। अभी जान का सारा जेवर, टीवी, फ्रिज और सारा फर्नीचर के अलावा मोटरसाइकिल और 25 लाख रुपए भी तुम्हें दे चुके हैं। अब तुम्हें इस प्रॉपर्टी से कुछ भी नहीं मिलने वाला। वो मेरा हक बनता था, लेकिन इस मकान में मेरा पूरा पूरा हिस्सा है जो मैं तुम लोगों से लेके रहूंगी। अखर भाई, आप गुस्से मत हो, मेरा ख्याल है एक बार इसकी बात तसल्ली से सुन लो। हाँ भाईजान, छोटी बहन है आपकी, हिस्सा ही तो मांगा है। मुझे तो लगता है तुम दोनों का भी दिमाग खराब हो गया इसके साथ ही। अरे, ये अब शादीशुदा है और इसकी तमाम तर कफालत की जिम्मेदारी इसके शौहर पर आयद होती है। ऐसे भी आसिफ इसका अपना ही इंतखाब था। अब तुम कान खोल कर मेरी बात सुन लो लाइबा, इस प्रॉपर्टी से तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं मिलनी है। जोरू ना जाता, अल्लाह से करे नाता, तू होता कौन है मुझे इसमें से हिस्सा ना देने वाला? अब देखना तुम सब लोग कैसा पछताओगे। एक एक को बताती हूँ, अपना हिस्सा तो मैं लेके रहूंगी तुम लोगों से, समझे तुम लोग? मैं भी देख लूँ। हटो यहाँ से। लाइबा, बात तो सुनो, कहानियां बनाना बंद कर दो तुम लोग। असल में तो तुम जायदाद के चक्कर में मेरे भाई को मारना चाहते थे। बिल्कुल ठीक सुना है आपने भाई साहब, मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने हिस्से से दस्तबरदार हो जाएं और ये बंगला और ये प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दें। सलमान, ये क्या बचकाना मुतालबा है? बचकाना नहीं, शरफाना मुतालबा है। अब भी शराफत से कह रहे हैं, मान ले बेहतरी इसी में है, वरना अगली बार कोई और तरीका इख्तियार करना पड़ेगा। और वैसे भी भाई साहब, आप इस प्रॉपर्टी का करेंगे क्या? कब्र में तो पैर लटके हैं आपके, और ना आपकी बीवी और ना ही आपकी कोई औलाद, इसीलिए कहता हूँ ये प्रॉपर्टी और बंगला मेरे नाम कर दो। देखो सलमान, मैं अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा तो छोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी छोटी बहन का हिस्सा नहीं छोड़ूंगा। ये हमारी इस प्रॉपर्टी की एक तिहाई की हकदार है। कैसा हिस्सा? शादी हो चुकी है इसकी, जाते जाते सारा जेवर समेट के ले गई। खबरदार सलमान, अगर इस लालची औरत को एक फुट एक कौड़ी भी दी तो। भाभी, मेरी माँ ने जितना जेवर आप लोगों को चढ़ाया था ना, उसका मुझे 25% भी नहीं मिला। और ये बात भूलने की जरूरत नहीं है, ये मकान मेरे बाप के नाम है, जितना सलमान भाई का हिस्सा है उतना ही मेरा भी है। लाइबा, कान खोल के सुन लो, मेरा ख्याल है तुम इस मामले से दूर ही रहो तो अच्छा है। ये बात मैं और भाई साहब मिलकर तय कर लेते हैं। भाई साहब, सलमान, मेरे और तुम्हारे दरमियान ही मामला तय नहीं हो सकता, और एक बात तुम कान खोल कर सुनो, ये बात तुम अपने जहन से निकाल दो तो बेहतर है। तो फिर ठीक है भाई साहब, आप भी एक बात अच्छी तरह समझ लो, ये बंगला और प्रॉपर्टी तो मैं अपने नाम करवा के ही रहूँगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। खाते लो तुम दोनों, मैंने नहीं, आपने इस घर में नफरत का बीज बोया।
आपका फैलाया हुआ जहर था जिसकी वजह से आपने अख्तर भाई को कत्ल कर दिया और एक तीर से दो शिकार कर दिए, मुझे जेल भेज दिया और मेरे भाई को मार दिया। बंद करो अपनी बकवास। तुम्हें तुम्हें कानून ने मुजरिम साबित किया है और अदालत ने ही तुम्हें सजा दी है। अब दफा हो जाओ यहाँ से, इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, समझी? अरे हाँ, तुम जाओगी तो जाओगी कहाँ? तुम्हारे तो शोहर ने भाई दूसरी शादी कर ली, तुम्हारा बेटा तुम्हें पहचानने से रहा, तुम्हारा बेटा तुम्हें भूल चुका है। निकलो, क्या देख रही हो? निकलो, निकलो। ताहिर है ना? जी जी, मैं ताहिर हूँ। आप कौन? मैं तेरी माँ। तूने मुझे पहचाना? मैं तेरी माँ हूँ। मैं आपको नहीं जानता। अरे अरे मेरी बात तो सुन, क्या कह रहा है तू? तू मुझे कैसे भूल गया? मैं तेरी माँ हूँ। हाँ, भूल चुका हूँ मैं। तू कैसे भूल गया मुझे? आप मुझे उस वक्त छोड़ के चली गई थी जिस वक्त मुझे आपकी बहुत सबसे ज्यादा जरूरत थी। ऐसा मत बोल, तुझे नहीं पता मैंने क्या क्या सहा। मैं जानती हूँ, तू छोटा सा था जब मैं जेल चली गई थी। मेरी जिंदगी की तरक्कियों ने मुझे यहाँ लाके खड़ा कर दिया। तू ऐसा मत बोल, तू मेरा बच्चा। नहीं, ये आपकी लालच थी और ये आपका जुर्म था जिसकी सजा मैंने भुगती। और अब मैं आगे बढ़ चुका हूँ, मैं पीछे नहीं हटने वाला। बेटा, अच्छा मेरी बात सुन, तू मेरा बच्चा है, मैं तेरी माँ हूँ, तू मुझे कैसे भूल सकते? मैंने जन्म दिया है तुझे, मैं तेरी माँ। जन्म आपने दिया है, लेकिन पाला मुझे मेरी सौतेली माँ रुबीना ने, और अब वही मेरी सगी माँ। मैं हूँ तेरी सगी माँ, वो नहीं है। आइंदा मेरे सामने मत आइएगा। रुक जा, मैं तेरी माँ हूँ। अरे हटे यार। मैं हूँ तेरी माँ, रुक जा। अरे मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। हेलो, लो मैं आ गई। कैसी लग रही हूँ? हाँ, अच्छी लग रही हो। ताहिर, तुम कुछ भूल रहे हो। मैं क्या भूल रहा हूँ? क्या तुम भूल गए? आज मेरा बर्थडे, हमने रेस्टोरेंट जाने का प्लान किया था। तुम इतनी बड़ी बात कैसे भूल सकते हो? यार, आई एम सो सॉरी महानूर, आज मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब था। आज मेरे साथ बहुत अजीब वाकया हुआ है। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ, तबीयत तो ठीक है, लेकिन आज मेरी अपनी माँ से मुलाकात हुई। माँ से मुलाकात? ये तो रोज ही होती है, इसमें क्या अजीब बात है? तुम समझी नहीं, आज मेरी अपनी सगी माँ से मुलाकात हुई। यानी वही जिन्होंने पैसों की लालच में अपने भाई को जहर दे दिया था, एक बेगुनाह इंसान को कत्ल कर दिया था। सब कहते तो यही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सब झूठ है। ताहिर प्लीज, होश में आओ। अदालत किसी को ऐसे ही बेगुनाह सजा नहीं सुनाती। अगर उन्हें सजा सुनाई गई है तो इसका एक ही मतलब है कि उन्होंने कत्ल किया है। कत्ल? अगर तुमने उस औरत से कोई ताल्लुक रखा तो क्या होगा? तो मुझे हमेशा हमेशा के लिए खो दोगे, क्योंकि मेरे घर वाले कभी भी एक कातला के बेटे का रिश्ता कबूल नहीं करेंगे, समझे? ताज़ीरात-ए- पाकिस्तान की दफा 413 के तहत कब्जा की हुई जायदाद की खरीदो फरोख्त की पादाश में उम्र कैद या 10 साल तक कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। आपकी कहानी सुनने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि आपके साथ बहुत जुल्म हुआ है। आपके अपनों ने आपको बहुत धोखा दिया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप अपनी ज़िंदगी का खात्मा ही कर दें। तो और क्या करूँ वकील साहब? मेरे शौहर ने मेरी बचपन की सहेली से शादी कर ली, उस मेरी सौगन बना दिया, मेरे भाइयों ने मुझे घर से निकाल दिया और मेरे बेटे ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। देखिए मैडम, इसमें आपका इतना कसूर नहीं है। बेगुनाह होने के बावजूद आप 14 साल की सज़ा काट चुकी हैं। अब मजीद अपने आप को अजियत मत दीजिए। कानूनी तौर पर आप आज भी
आसिफ की बीवी है, वो आपको नान नफका देने का पाबंद है। लेकिन वकील साहब, नान नफका तो दूर की बात है, मैं उसके पास गई तो वो चंद पैसे देके अपनी जान छुड़ाना चाहता था मुझसे। कौन क्या चाहता है उससे अहम यह है कि कानून क्या कहता है, और कानून के मुताबिक बतौर शोहर आसिफ आपको आज भी नान नफका देने का पाबंद है। अच्छा एक बात बताइए, जेल जाने के बाद आपका सामान और जेवरात किसके पास है? वकील साहब, वो सब तो मैं आसिफ के पास ही छोड़ के गई थी। कम से कम 20 तोला सोना था मेरे पास। हाँ 20 तोला आज के हिसाब से लगभग 25 लाख रुपए बनते हैं। हम आसिफ को इस बात का भी पाबंद करेंगे कि वो नान नफ्ते के साथ साथ ये रकम भी वापस दे। अच्छा मैं आपके पुराने वकील से भी मिलना चाहता हूँ जिन्होंने आपका केस लड़ा था। आसिफ, आसिफ कहाँ हो तुम? क्या हो गया बाबा, ऐसा कौन सा तूफान आ गया तुमने पूरा घर सर पर उठा लिया? लो चाय। इसको देखो, ये देखने के बाद तुम्हारे सर पे भी आसमान टूट पड़ेगा। चाहिए देखो, तुम्हारी साहब का बीवी ने नान नफके के साथ साथ जेवरात की वापसी का मुतालबा भी कर दिया। किस बात का नान नफका? मैं इसे एक पैसा नहीं देने वाला। और जेवर, ये जेवर बेच के तुमने घर खरीदा है, और अब वो चुड़ैल हमें इस घर से बेघर करना चाहती है। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं आज ही अपनी कंपनी के लॉयर से बात करता हूँ, शायद वो हमारी कुछ हेल्प कर सके। और हाँ, तुम इस बात का जिक्र ताहिर से नहीं करो। सही। ठीक है। आसिफ साहब, बदकिस्मती से मेरे पास आपके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, आप बहुत बुरी तरह फंस चुके। क्या मतलब आपको वकील साहब? मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं। कानून वाजे है, लाइबा शरी तौर पे और कानूनी तौर पे आपकी बीवी, उसके नान नफके की अदायगी के आप पाबंद हैं, और अदायगी का सिलसिला तब से शुरू नहीं होता जब से वो जेल से रिहा हुई, बल्कि तब से शुरू होता है जब उसे जेल कस्टडी हुई थी। क्या मतलब वकील साहब, 14 साल का नान नफका? अरे वकील साहब, ये जेवरात का सदमा कम था कि आपने एक और बम फाड़ दिया। खैर आप मुझे ये बताइए कि मैं इन सब मामला से बच कैसे सकता हूँ? देखें, जब आपकी बीवी जेल से रिहा हुई थी तो आपने उसके साथ हुस्ने सलूक नहीं की, वरना इस बात की नौबत ही ना आती। बहरहाल नुकसान तो हो चुका है, हम इस नुकसान को तो पूरा नहीं कर सकते, अलबत्ता इस नुकसान के साइड इफेक्ट को कम कर सकते हैं। तो कैसे वकील साहब? आपको लाइबा को तलाक देनी होगी। क्या मतलब तलाक? जी, आपको उसे तलाक देनी होगी। इसी तरह मुस्तकबिल में उसके नान नफके का मुतालबा दम तोड़ जाएगा, और दम तोड़ते ही मुमकिन है कि हम उसके साथ कोई डील कर लें। इसके सिवा आपके पास कोई और चारा ही नहीं है। अच्छा आसिफ साहब, आप ये बताएं कि आपका बेटा किसके साथ रह रहा है? वकील साहब, ताहिर हमारे साथ ही रहता है। ये क्या है? ये डिवोर्स सर्टिफिकेट, आसिफ ने मुझे तलाक दे दिया। ओ, बहुत अफसोस हुआ मुझे, I'm sorry। लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं हुआ, मुझे उससे इसी बात की तवक्को थी, जिसने मेरी मोहब्बत और मेरी कुर्बानियों को भुलाकर दूसरी शादी कर ली, उससे मुझे कोई और उम्मीद नहीं है। क्या उसने आपसे दोबारा रابطہ करने की कोशिश की? जी वकील साहब, उसका फ़ोन आया था, वो ये कह रहा था कि अदालत के बाहर सेटलमेंट कर लो, वो भी मेरे बेटे ताहिर के सामने। बेटे के सामने? मैडम बहुत ही शातिर इंसान है वो जानता है कि एक माँ अपने बेटे के सामने पिघल जाएगी। वो माँ ही क्या जो बेटे को सामने देखकर ना पिघले। वकील साहब, मैं कोर्ट के बाहर सेटलमेंट करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने भाई भाभी को कभी माफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि असल मुजरिम तो वो लोग हैं, उन्हीं की वजह से मेरे दामन पे कत्ल का दाग लगा। मैंने आपके केस का बहुत गहराई से जायजा लिया। अख्तर की मौत के बाद आपके भाई ने गठजोड़ करके आपके दस्तखत के बगैर प्रॉपर्टी का सक्सेशन सर्टिफिकेट हासिल कर लिया था। अगरचे अब उस सक्सेशन सर्टिफिकेट पर एतराज़ उठाने की मुद्दत गुजर चुकी है,
मगर अदालत में हम उसे स्पेशल केस के तौर पर ले जा सकते। अलबत्ता मैं अदालत जाने से पहले आपके भाई से मिलना चाहता हूँ। अम्मी कहाँ हैं आप? बहुत भूख लग रही है। क्या मुसीबत है? क्यों चीख चीख के पूरा घर सर पे उठा रखा है? अम्मी मैं चीख कहाँ रहा हूँ? अच्छा आप गुस्सा ना हो, मेरे पास बैठे। खबरदार जो मुझे हाथ लगाया तो। तुम भी अपनी माँ जैसे ही हो, एहसान फरामोश। जैसे मम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? बंद करो मुझे मम्मी मम्मी कहना। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। तुम्हारी माँ वो घटिया और लालची औरत है। नहीं, मेरी माँ आप हैं। तुम उसी लालची और खुदगर्ज औरत के बेटे हो। तुम्हारी रगों में भी उसी का खून दौड़ रहा है। तुम मुझे भी उसी तरह धोखा दे दोगे जैसे उसने तुम्हारे बाप को धोखा दिया। कैसा धोखा? नान नफके के साथ साथ जेवरात की वापसी का मुतालबा भी कर दिया उसने, जिन पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है। अब बदले में मैं क्या मांगू तुमसे? वो सारा वक्त जो मैंने तुम्हारी परवरिश पर खर्च कर दिया। मम्मी मैं नहीं जानता कि वो ऐसा क्यों कर रही है, मगर आप। मैं जानती हूँ, क्योंकि वो इंतहाई घटिया और लालची औरत है। इसीलिए आसिफ ने मेरे कहने पर उसको तलाक दे दी। क्या तलाक दे दी? हाँ। ये नहीं हो सकता। जिस जायदाद के लिए तुमने अपने सगे भाई का कत्ल कर दिया, उस जायदाद में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है लाइबा, समझी तुम? लालच की भी कोई हद होती है लाइबा। उमर कैद काट कर आ गई, लेकिन तुम्हारे दिल से दौलत की हवस नहीं गई। तुम्हारी जगह मैं होती ना, डूब कर मर जाती। एक्सक्यूज मी मैडम, मैं आपको इस बात की कतई इजाजत नहीं देता कि आप इस तरीके से मेरे क्लाइंट से बात करें। वकील साहब, ये औरत एक सफाक कातिल है। आप नहीं जानते इसने क्या क्या किया है, मैं आपको बताता हूँ। और भाई साहब कैसी तबीयत है आपकी? कुछ ठीक नहीं है तबीयत। भाई साहब आप बिल्कुल परेशान मत हुआ करें, मैं सारा काम संभाल लूँगा। अच्छा मैं चेकबुक लेके आता हूँ, आप साइन कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम भाई। अरे वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो लाइबा? मैं ठीक हूँ, बस अपने भाइयों से मिलने चली आई। अच्छा किया। ये लीजिए भाई, आपके लिए स्पेशल चाय अदरक वाली, पिए और पीकर बताएं कैसी बनी है। लाओ दो मुझे। आप बताएं आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, सब करिए। अरे वाह लाइबा, तो वाकई बहुत अच्छी चाय। लगता है तुम्हारा गुस्सा उतर गया है। हाँ तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम आ गई। अब तुम बैठो, भाई से बातें करो। भाई मैं चेक बुक लेके आता हूँ। ठीक ठीक ही जाओ। बस भाई मैंने सोचा गुस्सा करने का अब क्या फ़ायदा, जब घी सीधी उंगली से निकल जाए तो उंगली टेढ़ी क्यों की जाए। क्या मतलब उंगली टेढ़ी करना? मैं समझा नहीं, क्या कहना चाह रही हो? समझ जाएंगे समझ जाएंगे, बहुत जल्दी समझ जाएंगे। आप चाय तो पिए। ठीक है। सलमान 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 भाई, सलमान जी भाई। भाई क्या हुआ, क्या हुआ भाई को? लाइबा पता नहीं चाय पीते पीते खांसने लगे, क्या हुआ है पता नहीं। अरे अरे ये तो चाय की तरफ इशारा कर रहे हैं। क्या मिलाया है लाइबा तुमने चाय में? बोलो लाइबा क्या मिलाया चाय में? मैंने कुछ नहीं मिलाया, चाय पीते पीते बस खांसने लगी है। भाई भाई क्या हो रहा है आपको? भाई इधर देखें। भाई आप एम्बुलेंस ले आए, हम भाई को हॉस्पिटल लेके चलते हैं। क्या हो गया इनको? लाइबा अब एम्बुलेंस बुलाने का कोई फायदा नहीं है लाइबा। भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे। तुमने जो करना था ना वो तुमने कर लिया लाइबा। ये क्या किया तुमने लाइबा? गुस्से और इंतकाम की आग में आके तुमने अपने भाई का कत्ल कर डाला, चाय में जहर मिला दी। वकील साहब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से भी ये बात साबित हो गई थी कि अख्तर भाई को जहर दे के मारा गया, और वो जहर उसी चाय में शामिल था जो चाय लाइबा ने बनाई थी, और चाय के कप पे लाइबा के ही फिंगरप्रिंट से। यही कातिल है उनकी। कातिल हम तीनों में से कौन है सब अच्छी तरह से जानते हो। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 301 के तहत अगर कोई शख्स ये जानते बूझते भी कि उसके इस अमल से
किसी की मौत भी वाकई हो सकती है, लेकिन उस शख्स के अमल से उसके हदफ के बजाय किसी दूसरे फर्द की मौत वाकई हो जाती है, तो इस सूरत में भी उसे कत्ले अम्द का मुजरिम करार दिया जाएगा और दफा 302 के तहत उसे सजाए मौत या उम्र कैद की सजा मिलेगी। मैं तो सिर्फ मोहरा थी ना, अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? आ गई तुम? वालेकुम सलाम। क्या करूं, घर वालों की याद ही इतनी आती है कि आना ही पड़ता है। तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, अब आ गई हो तो ये चाय ना अख्तर भाई को दे देना, ठीक है? बोलना मत खास अदरक वाली बनी हुई है, और मैं जाके कपड़े प्रेस कर लूं। वो भाभी, ये चूहे मार दवाई आप यहाँ खाने पीने की चीज़ों से ज़रा दूर रखा करें। हाँ ठीक है ठीक है, तुम ठीक कह रही हो, इसको कबट में रख दो, ऊपर मैं जाती हूँ, ठीक है? तुमने बनाई थी ना वो चाय, तुमने मिलाया था ना उसमें जहर, बहुत अच्छी साजिश रची थी तुम लोगों ने मेरे खिलाफ, लेकिन मेरा खुदा तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। झूठ बोल रही है, ये बकवास है, ये यही सच है। बहुत खूबसूरती के साथ आप लोगों ने एक साजिश रचाई थी, चाय के कप पर मेरे क्लाइंट के फिंगरप्रिंट्स के निशान आ गए और यूं एक नाकर्दा गुनाह के जुर्म में जेल चली गई, जो दर हकीकत में आप दोनों ने किया था। वकील साहब, आप इस तरह हम पे ये झूठा इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं? इस बात का फैसला बाद में होगा, फिलहाल हम यहाँ पे किसी और मकसद के लिए आए हैं। जिस जायदाद की आप बात कर रहे हैं, उस जायदाद में मेरी क्लाइंट मैडम लाइबा का भी हिस्सा है, क्योंकि शरई कानून के तहत बाप की जायदाद में बेटी का भी हिस्सा होता है, जिसे आप लोग झुटला नहीं सकते। आपको वो हिस्सा मेरी क्लाइंट को हर हाल में देना होगा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें लाइबा, एक भाई को तो जहर देके मार दिया, दूसरे को बदनाम और कंगाल करना चाहती हो। शर्म आनी चाहिए मुझे? शर्म आनी चाहिए? मैं तो सिर्फ अपना हिस्सा मांग रही हूँ तुम लोगों से। जालिम कौन है, मजलूम कौन है, गुनाह किसने किया है, ये सिर्फ मेरा अल्लाह जानता है। हिस्सा? कौन सा हिस्सा? मेरे ससुर ने जो वसीयत की थी उसमें लाइबा तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। उन्होंने प्रॉपर्टी अपने दोनों बेटों के नाम की थी। देखिए मैडम, अगर ये बात सच होती ना तो आप लोग हमसे बहस करने के बजाय वो वसीयतनामा हमें पेश कर चुके। सलमान साहब, कहाँ है वो वसीयतनामा? वो वसीयत मेरे वकील के पास है। वकील साहब? अच्छा, क्या नाम है आपके वकील का? वो नाम अस्मा, क्या नाम है वकील साहब का बताना। मुझे भला कैसे याद होगा, वैसे भी बहुत पुराना मामला है, लिखा होगा किसी डायरी में, मैं देखकर आपको बता दूंगी। जी जरूर, मुझे जरूर बताइएगा, मैं भी तो उस वकील से मिलूं जो इतने अरसे से आप लोगों को गुमराह करता आ रहा है। गुमराह क्या वकील साहब, आप आखिर कहना क्या चाहते हैं? सलमान साहब, पहले तो मुझे यकीन है कि ऐसा कोई वसीयतनामा मौजूद ही नहीं है, अगर मौजूद है तब भी पाकिस्तान का शरई कानून इस बात को नहीं मानता, इस जायदाद में मेरी क्लाइंट मैडम लाइबा का हिस्सा है जो आपको देना पड़ेगा और आप इस हकीकत को झुटला नहीं सकते। वकील साहब, जो औरत मेरे भाई की कातिल है उसका इस जायदाद से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, फिर आप अदालत का नोटिस मिलने का इंतजार कीजिए। चले मैडम। रुबीना, हेलो, अभी तक सो रही हो तुम? अरे आ गया। हाँ, और सुनाए कैसा गुजरा आज का सारा दिन ऑफिस में? ऑल सेट, तुम बताओ। बस यार, आज घर में बहुत काम था, बहुत थक गई मैं। वो ताहिर कहाँ है, नजर नहीं आया? ताहिर जा चुका है यहाँ से। जा चुका, क्या मकसद, कहाँ चला गया ताहिर? क्योंकि मैंने ताहिर को सब सच बता दिया और मैंने ये भी बता दिया कि आपने लाइबा को तलाक दे दी। लेकिन क्यों,
मैंने तुम्हें उसे डिस्कस करने को मना किया था। सब तबाह कर दिया तुमने, तुमने सब खत्म कर दिया। आखिर ऐसा कौन सा गुनाह कबीरा कर दिया मैंने जो आप मुझे कोस रहे हैं? गुनाह कर दिया तुमने यार, तुम्हें नहीं पता अगर ताहिर हमारे साथ होता तो तुम्हें नहीं पता मैं कितने एडवांटेजेस मिल सकते थे इस केस में, लेकिन तुमने तुमने ताहिर को निकाल के हमें सड़क पर ले आई। ऐसा क्यों कह रहे हो? उकला के दलाइल और पेश करदा शवाहिद का जायजा लेने के बाद यह अदालत मुसम्मात लाइबा शेख के साबिक शोहर आसिफ अहमद को अपनी साबका बीवी यानी मुसम्मात लाइबा को 14 साल का नान नफका अदा करने का पाबंद करती है और साथ ही मुसम्मात लाइबा को उसके बाप अकबर शेख की जायदाद में शरई और कानूनी हिस्सेदार मानते हुए उसके भाई सलमान शेख को हुक्म देती है कि वह जायदाद का एक तिहाई हिस्सा अपनी बहन के नाम करे। अदालत बर्खास्त की जाती है। मुबारक हो मैडम लाइबा, आपको आपका हक मिल गया। अब अगर आप चाहें तो अपनी भाई और भावच के खिलाफ मर्डर का केस रीओपन करवा सकती हैं। जी वकील साहब, बहुत जल्दी ये काम भी करना, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे जैसे ही मेरा हिस्सा मिलेगा ना, मैं आपकी फ़ीस अदा कर दूंगी। अरे फीस के बारे में आप फिक्रमंद मत हो, फिलहाल तो आज मैं यहाँ एक खास मकसद के लिए आया हूँ। आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। किसी से मिलवाना? किससे? आपके बेटे ताहिर से। ताहिर से? ताहिर, ताहिर। मेरा बच्चा ताहिर, कैसा है मेरा बच्चा? मुझे माफ कर दो, मेरा बच्चा। मैंने आपको नजरअंदाज किया, आपको झिड़का, मुझे माफ कर दो। मेरा बच्चा, ऐसा मत। अगर आपने मुझे माफ नहीं किया तो खुद भी मुझे माफ नहीं करेगा। माए कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं होती, ऐसा मत बोल। तू वापस आ गया, मेरे लिए यही बहुत है। और हाँ, अब ये वापस जाने के लिए नहीं आए, इसकी आंखें खुल गई हैं, अब ये आपके साथ ही रहे। जी मैं आपके साथ रहूंगा, अपनी असली माँ के साथ। आओ बैठो। अगर आप भी कोर्ट नंबर 5 में कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@summer.tv।